पंडित रामकृष्ण महाराज, पंडित रामकृष्ण नहीं, ये पंडित रामकृष्ण का प्रेत है। सही पहचाना गुरु है। पंडित रामकृष्ण प्रेत रामा, हमने आपको समस्त वचन दे दिए, अब पुणे क्यों आए? मैं आपके लिए नहीं आया, मैं तो यहाँ बाबा काल बैलू और राज प्रलयनाथ के लिए आया हूँ। नहीं, ईश्वर, पंडित रामकृष्ण और वो भी महाराज। पंडित रामकृष्ण? रामकृष्ण नहीं, प्रेत रामा। बहुत सही समय पर होश आया है प्रलयनाथ। किंतु ये सब हो क्या रहा है? पंडित रामकृष्ण इनकी ओर क्यों जा रहे हैं और ये पिशाच खड़े कैसे हो गए? पुनः महाराज, इन दोनों ने मेरे प्राण हरे थे, अब मैं इनसे अपना प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध? काल भैरव जी, ये रामकृष्ण फिर से जीवित कैसे हो गया? मुझे क्या पता, तुमने तो कहा था कि पंडित रामकृष्ण कुएं में डूबकर मर चुका है। अरे मेरी बात का विश्वास करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रामकृष्ण मर चुका है। अरे रामकृष्ण मर चुका है तो सामने कौन खड़ा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये रामकृष्ण का प्रेत है। प्रेत होते हैं क्या? मुझे क्या पता। अब मैं तुम दोनों को मार कर अपना बदला लूंगा। महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, इस पंडित रामकृष्ण के पेट से हमारी रक्षा कीजिए महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? प्रलयनाथ पिशाच को सुरक्षा की आवश्यकता है? महाराज, मैं पिशाच नहीं हूँ, दरअसल ये सब नाटक था महाराज, वो भी काल मेलू का कहने पे। महाराज मुझे क्षमा कर दिए महाराज, मैं तो एक ही वक्त जा रही हूँ महाराज। शर्म आनी चाहिए आपको, हम तो मामूली ठग है महाराज, ये सारी योजना इसी की है। नहीं महाराज। अब तुम दोनों अपने इष्ट देवता का स्मरण कर लो, क्योंकि अब मैं अपने इन लंबे और तेज नाखूनों से तुम्हें चीर फाड़ कर दिखाऊंगा। महाराज जमा कर दिया मैं। ये तो पंडित रामकृष्ण जी है। ये तो जीवित है, ईश्वर का धन्यवाद। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही भय ही भय को समाप्त करता है। क्यों, मैंने सत्य कहा ना काल भैलू जी, प्रलयनाथ पिशाच जी। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। पंडित रामकृष्ण, हमें तो पूर्व से ज्ञात था। हम तो बस वो नकली डर दिखाकर स्थिति को थोड़ा और वास्तविक बनाने का प्रयास कर रहे थे, है ना? कैसा लगा? महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। इतनी सरलता से आपको क्षमा प्राप्त नहीं होगी। भोली भाली प्रजा के अंधविश्वास और भय का अनुचित लाभ उठाया है आपने, दंड तो आपको अवश्य मिलेगा। और आप सभी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसे बहुत से ढोंगी और ये भूत पिशाच, ये सब इनकी मन घड़त कहानियां होती हैं, इन्होंने रचे हैं ये आप सभी को भयभीत करने हेतु। अतः हम आप सभी से अनुरोध करते हैं, ऐसी बातों पर विश्वास ना करें, अन्यथा ऐसे ढोंगी तो बहुत मिल जाएंगे आपको। जी महाराज।
सत्य जय महाराज। विश्वासघाती है दोनों। महाराज पंडित रामकृष्ण, आप अपने अपराधियों को ये बताइए कि ये सब आपने किया कैसे। हाँ ये हम भी जानना चाहेंगे। पंडित रामकृष्ण आप ये पहले भी सुलझा दीजिए कि कुएं में डूबने के बाद भी आप बाहर कैसे निकल आए। पिशाच प्रलयनाथ जी, क्षमा करें ठग प्रलयनाथ जी, उस रात्रि आप मेरे पीछे खंडहरों से भागे थे, स्मरण है? स्मरण है। कार्य हो गया ना? पंडित रामकृष्णा ने हमारी समस्या का स्वयं ही निवारण कर दिया। वो उस कुएं में कूद के स्वयं ही डूब के मर गया। अति उत्तम, अति उत्तम। अब तक सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। हाँ, और हम आशा करते हैं कि हर बार की भांति इस बार भी हम सफल होंगे। हाँ, और महाराज कृष्णदेव राय से बहुत सा धन और संपत्ति ठग लेंगे। अति उत्तम। अदृश्य शिष्य रुमझुम, जो मसाल हाथ में लेके घूमता है। गजब का नाम सोचा है मित्र, गजब का। आपने तो योगी को भोगी बना दिया काल बेलो बाबा। भोग में ही आनंद है, भोग में ही आनंद। सत्य कहते हो काल बेलो बाबा, योग के द्वारा लंबे समय तक सांसों को रोकना और अपने हृदय गति को कुछ क्षण के लिए शांत करना, इस मेरी कला का भरपूर लाभ तो आप ही उठा रहे हो मित्र। हम स्वीकार करते हैं कि तुम्हारी ये कला अद्भुत है, परंतु ये मत भूलो हमारी नाटक की कला भी कमाल है। यदि हम प्रलयनाथ पिशाच की भयावह कथा का सूत्र नहीं बनाते तो तुम्हारी ये कला व्यर्थ हो जाती। हम दोनों ही एक दूसरे के पूरक है मित्र, इसलिए तो बराबर के हिस्सेदार हैं। धन में भी और अपराध में भी। प्रलयनाथ, अब केवल अनुष्ठान में तुम्हारी उपस्थिति लगेगी और अंतिम बार तुम्हें मरने का नाटक करना होगा, और इसके पश्चात हम दूसरे राज्य में चले जाएंगे और पुनः यही खेल खेलेंगे। अच्छा तो ये खेल है इनका। अच्छा है, अब आएगा आनंद। तुम्हारा सच जानने के पश्चात मैंने ये निर्णय लिया कि मैं तुम्हारी ही योजना के अनुसार तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं महाराज से मिला और 2 दिवस की मोहलत मांगी ताकि मैं योग द्वारा लंबे समय तक अपनी हृदय गति और अपने श्वास को नियंत्रण में करने का अभ्यास कर सकूं। कड़ी तपस्या की किंतु मात्र असफलता ही हाथ लगी। अंततः माता के आशीर्वाद से सफलता प्राप्त हो ही गई। काल बैलू जी, वो मानव खोपड़ी कैसे हिलती थी ये तो मैं समझ गया। आप अपने पैर के अंगूठे से बंधी डोरी से उसे सरकाते थे, फिर वो जो मिट्टी के खिलौने थे इसलिए हिलते थे क्योंकि आपने उसके भीतर मेंढक छुपा रखे थे। ये देखो, उस लड़की ने हमारी मिट्टी की गुड़िया में बंद मेंढकों को मार ही डाला।
मेंढक मेंढक। प्रलयनाथ ने अपने कलाई बंध में जहरीली सुई छुपा रखी थी, जिसे वो किसी को भी मूर्छित कर देता था। ये सारी बातें तो मैं समझ गया, किंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो हवा का चक्रवात आपने कैसे उत्पन्न किया? कृपया अपनी बुद्धिमता से मुझे भी कृतार्थ करें। अरे हाँ, चक्रवात, इसने हमारे गुरु जी को बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराया था। नहीं, बकना आवश्यक था क्या? वो इधर आइए, महाराज को भी बताइए, आइए। हाँ महाराज, भौतिकी विज्ञान अक्सर नाविक समुद्र में इसका उपयोग करते हैं। वो त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार दिशा देते हैं। इससे उनकी बड़ी बड़ी नौकाएं समुद्र में तैरती हैं। हम भी वैसा ही करते थे, छोटे छोटे त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा को तीन कोनों से दिशा देते थे, उससे एक चक्रवात उत्पन्न होता था। उन्हीं त्रिपालों की सहायता से वायु की ऊर्जा से आक्रमण करते थे। अति उत्तम, एक भौतिक वैज्ञानिक और दूसरा योगाचार्य जो अपनी योग साधना में इतना अद्भुत है कि लंबे समय तक अपनी हृदय गति और श्वास को रोक सकता है, किंतु दुर्भाग्यवश इतना बुद्धिमान होने के बाद भी आप दोनों अपराध के रास्ते पर चल पड़े। अब अकाल बैलू, कलेनाथ जी, आप दोनों के इस कार्य का सबसे अधिक दुख मुझे। स्वामी, गुरु माता, स्वामी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपको मोर पंखी झाड़ू से मारा परंतु प्राश्चित को काटने के लिए ऐसा करना आवश्यक था। हम आपसे 21 दिन तक पृथक नहीं रह सकते थे, हमारी मनोकामना सच्ची थी। अब गुस्सा छोड़िए और ग्रह को चलिए। किस मूर्ख ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था वरुण माला? हमें मार्ग में एक बाबा मिले थे। बाबा? गुरु माता, कहीं वो बाबा ये तो नहीं है? बाबा अपनी सूरत तो दिखाइए। अरे दिखाइए दिखाइए। हाँ पंडित रामा कृष्णा, यही तो थे। प्रणाम बाबा, प्रणाम। काल बैलू, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। काल बैलू, छोड़ो हमें। अरे छोड़ो हमें, छोड़ो। शांत शांत हो जाइए गुरुवार। महाराज, गुरुवार, गुरु माता जी, कृपया गुरुवार को अपने निवास पर ले जाइए और इन्हें स्वादिष्ट भोजन कराइए। जी चलिए स्वामी जी। जी महाराज। कोतवाल। जी महाराज। इन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। अब कभी ऐसा नहीं होगा महाराज, एक बार क्षमा कर दीजिए। पंडित रामकृष्णा, अब आपसे क्या कहें, पुनः एक बार हम यही कहेंगे कि गर्व है हमें आप पर, प्रसन्न हुए हम आपसे। धन्यवाद महाराज। वैसे हमने देखा कि भूत प्रेत पिशाच के विषय में आप अत्यंत निपुण हो गए। तो श्रीलंका नरेश जो हमारे मित्र है वो तो आपको याद होंगे जी। उनका पत्र आया था और वो कह रहे थे कि उनके राज्य में भी भूत पिशाच की कोई समस्या है, गंभीर समस्या है। तो हम चाहते हैं कि आप वहां जाकर उनकी समस्या भी। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं आता है, मैं तो बस ऐसे ही। नहीं नहीं नहीं। पंडित राम कृष्णा। हाँ। हम परिहास कर रहे थे। परंतु आपने कार्य अद्भुत किया है पंडित राम कृष्णा, हमारे लिए, समस्त विजयनगर राज्य के लिए। तो कहिए पंडित रामकृष्ण की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। पंडित रामा की जय। रामा, रामा।
उठो रामा। रामा उठो, रामा। कौन है, कौन पुकार रहा है? ये नील प्रकाश कैसा? मुझे नहीं पहचाना। क्या हो रहा है? हेमा रक्षा करना। इतनी अच्छी दिव्य सुगंध, क्या हो रहा है ये सब? ये सत्य नहीं हो सकता माँ। ऐसे तो प्रतिदिन मेरा स्मरण करते रहते, और अब जब मैं स्वयं तुमसे मिलने आई हूँ तो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा। माँ, मेरा हो भाग्य माँ जो तुमने मुझे दर्शन दिए। ये होती है माँ जो अपने पुत्र के हृदय की बात समझ जाती है। क्या हुआ माँ? यदि माँ अपने पुत्र के हृदय की बात समझ जाती है तो पुत्र से भी माँ के मन की बात छिपी नहीं रह सकती। बताओ ना, क्यों व्यथित हो? रामा, जितना देखना चाहते हो देख ले, क्योंकि अब मेरी विदाई का समय आ गया है। वियोग होगा हमारा। वियोग होने वाला है? ये कैसी बातें कर रही हो माँ? भला माँ से भी पुत्र का वियोग होता है कभी? हाँ, तुम्हारे दर्शन कभी कभी होते हैं, किंतु रहती तो तुम यही हो। तुम्हारी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहती है। सत्य कहा पुत्र, परंतु अब मुझे जाना हो, और ये भी अटल सत्य है राम, विजयनगर पर मेरी कृपा युगो युगो से है। कृष्णदेव राय के पूर्वजों के पुण्य प्रताप के कारण मेरा यहाँ वास है, और जहाँ मेरा वास होता है वहाँ सुख समृद्धि सदैव रहती है। परंतु राम, प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, जो आया है उसे जाना होता है। सुंदर नगर मरुस्थल और मरुस्थल उद्यानों में परिवर्तित होते रहते हैं। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। ये क्या कह रही हो माँ? यही कि विजयनगर में मेरे वास का काल अब समाप्त हो गया है। मैं विजयनगर छोड़ के जा रही हूँ। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम कैसे जा सकती हो? तुम नहीं जा सकती ना माँ। रामा, तुम प्रकृति के नियम को परिवर्तित नहीं कर सकते। तुम मुझे अति प्रिय हो राम, इसलिए एक बार तुम्हें देखने चली आई। अब मुझे जाना होगा। माँ, माँ, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ, माँ रुक जाओ। याद नहीं होता, पता नहीं कैसा स्वप्न देखा है। अरे उठिए, हम आपको क्या आपकी अम्मा प्रतीत होते हैं। सुनिए, उठिए, आपकी अम्मा बाहर है। चली गई माँ, चली गई माँ, चली गई। हाँ, अम्मा चली गई। अम्मा ने शारदा, माँ चली गई। प्रतीत होता है कि आपने अम्मा को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। अम्मा को बुलाओ। अम्मा, नहीं रहने दो। ऐसा क्या स्वप्न देख लिया जो इतने व्यथित है आप? मैं विजयनगर छोड़ के जा रही हूँ। माँ, माँ।